locked in a up that trap. Pin rolled up in a map. Said they all wanna live, but I just wanna die. जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस वेलकम दी अनदर व्लॉग मीमी या समी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो गाइस अभी मैं आया था जज्बे की तरफ, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा पर्पल का जो है हम प्रोजेक्ट सब चेंज कर रहे हैं, तो अभी जो है जज्बे मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इतना बड़ा मुँह और अभी दूसरी बात यह कि जज्बे ने जो है इनकी हिम्मत है कि इन्होंने सुबह से लेके अभी तक पूरी रिबोन का सामान सब कुछ खोल दिया है। तो ये मेरे साथ जो है मीडो भी आया हुआ है, तो अभी बस जो है अभी मैं वो सामने खड़ी हुई है पर्पल, वो आप देख सकते हैं। तो बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ पर्पल जो जो सामान उसका खोल रहे हैं और जो खुल गया है, और बस उसका आपको विज़िट करवाता हूँ, तो फिर आपसे मिलती हैं। अच्छा तो गाइज अभी जो है स्पॉइलर भी मैंने इसका बनाना है, स्पॉइलर भी इसका चेंज करना है। अभी जो है डिपिंग के भी पीस हमने खोल लिए हैं सारे, और कलर वाला इंशाल्लाह कल आ जाएगा, जब इसको ले आएंगे तो कल जो है कलर वाला पहुंच जाएगा, कल से हम इसका पेंट का काम शुरू करेंगे। तो अभी जो है मेरे पास एक खबीस आया फाइबर वाला, तो अभी बस मैं उससे बात शात कर रहा हूँ, उसको मना रहा हूँ, वो मान नहीं रहा, तो अब आपके सामने मैं उससे बात करूँगा, अब देखते हैं क्या होता है। हेलो, फाइबर का काम ही छोड़ दिया मैंने। इंसान का बच्चा बोलो यार, मुझे बताओ क्या सीन है स्पॉइलर का? कैसे आप हो गए पांडे का? बस ठीक हो गया। तो बस अभी जो है इसको देते हैं स्पॉइलर, स्पॉइलर अभी इसको देते हैं ताकि ये स्पॉइलर हमारा तैयार करे, स्पॉइलर बनाए। तो अभी डिपिंग का जो बनाए ना बनाए, वीडियो देखने वाले कहते हैं बनाइए भाई। तो बस अभी जो है गाइस पर्पल का आपको मैं कराता हूँ विजिट अंदर से, जो जो सारा सामान खुल गया है, अभी जो है बिल्कुल कबाड़ लग रही है। तो अभी सीन ये है कि डिपिंग का भी सामान खोल लिया है, डिपिंग मैं इस दफ़ा करवा रहा हूँ एक्सट्रीम साहिल भाई से, तो उनकी डिपिंग जो है माशाल्लाह फिनिशिंग बहुत एंड है, तो वो जब आ जाएगी बन के डिपिंग होके आ जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलें गाइज आपको। अच्छा तो गाइज आप लोग देख सकती हैं पर्पल का जो है सामान वगैरह सारा उतार दिया, मैं आपको बताता चलूँ, बम्पर इसका सब चेंज होगा, फ्रंट बोनट जो है वो भी इसका हमने जो है दोबारा डिपिंग करानी है, लेकिन इस बार जो है कार्बोर्ड डिपिंग नहीं होगी, इस बार जो है वो ग्लास डिपिंग होगी, मतलब इसमें जो है ना डिपिंग में बहुत किस्में आती हैं। तो अभी इसके बाद जो है अलॉय रिम्स वगैरह तो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, और दूसरी बात अलॉय रिम बहुत मज़े के आ रहे हैं इस दफ़ा इसके, तो वो भी आपको इंशाल्लाह कुछ डेज़ में आपको दिखाऊँगा मैं। तो अभी इसके बाद इसके ये मिरर्स वगैरह भी हमने उतार लिए हैं, हैंडल डोर्स भी उतार लिए हैं, और ये जो डोर्स के होते हैं क्या कहते हैं इन्हें यार, मेरे जहन से निकल गया है, डोर्स की आप कह लें गोले ही कह लें, हाँ इन्हें दरवाज़ों के जो गोले हैं, दरवाज़ों के जो गोले हैं ये भी उतार लिए हैं। तो ये जो सामान अभी इसके ऊपर से उतारा मैंने, ये सब डिपिंग होगा, डिपिंग, और ये इस बार डिपिंग भी जो है बड़ी आउट क्लास की होगी, तो साहिल भाई अपने हाथों से खुद करेंगे, एक्सट्रीम लाहौर साहिल भाई। तो अभी आपको मैं इसका अंदर से इंटीरियर दिखाऊं, तो इंटीरियर भी हमने फुल खोल दिया है, दरवाज़ों के ये कवर्स गत्ते शत्ते सब वगैरह 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 सब कुछ हमने इसका उतार दिया है, ये पैनल्स भी हमने खोल दिए, इस बार ये भी डिप होंगे, और बैक का ये साउंड सिस्टम का जो होता है ये भी हमने खोल दिया, ये भी डिप होगा सारा। तो मतलब आप कह लें कि ऊपर वाले जो हैंडल्स होते हैं वो भी सारे वो होंगे, डिप होंगे। तो बस अभी इंटीरियर में आपको दिखाऊं, तो इंटीरियर में भी ये देखें हर चीज़ इसकी हमने खोल दी है, पीस वगैरह सब कुछ हमने इसके खोल दिए हैं, क्योंकि अभी ये पीस वगैरह सब डिपिंग के लिए जाएंगे, तो अभी कल बस आ रहे हैं पेंटर, कल वो इसके ऊपर काम शुरू करेगा इंशाल्लाह पेंट का। तो गाइस स्पॉइलर भी हमने इसका खोल लिया, तो स्पॉइलर भी जो है अभी हम इसका नया बनाएंगे, वही जो इसी व्लॉग में शुरू में मैंने आपको दिखाया है, उसी बॉय को मैंने दे दिया ऑर्डर इंशाल्लाह। अच्छा तो गाइस एग्जॉस्ट भी जो है वो भी मैंने नए बनने दे दिए हैं, एग्जॉस्ट के भी बहुत बुरे हालात हुए हुए हैं, क्योंकि जब ये अपने ओरिजिनल इंजन में थी, जेन्युइन इंजन में 1800 में, तो तब जो है ना इसकी ट्यून की हुई थी, तब ये जब बैक फायर्स करती थी ना, तो बैक फायर्स की वजह से आप इसके एग्जॉस्ट की हालत देखें, मतलब बिल्कुल सड़ गए हैं एग्जॉस्ट, लेकिन साउंड इन्होंने अपना चेंज नहीं किया, ना ये फटे हैं, बस ये जल जल के जो है ना बेचारे सड़ गए हैं आग से लाल हो के। अच्छा तो गाइस बैक लाइट्स भी जो हैं वो भी हमने इसकी उतारी हैं, वो भी हमने चेंज करनी है, एग्जॉस्ट भी हमें वकार भाई 10 दिनों में बना के भेज देंगे तकरीबन, और ओए ये लोगो रह गया, तुमने नहीं उतारा लोगो, क्यों नहीं उतारा लोगो, उतारो इसको, लोगो भी उतारने, ये भी हमने एक दफ़ा रिफ्रेश करना है, और जस्ट भाई को कहना यार इसकी नंबर प्लेट भी खोल लें, नंबर प्लेट भी बाद में खोल लेंगे।
तो इस तरफ से भी वही सीन है, और बैक बम्पर है वो भी हमने चेंज करना है, बैक किट भी हमने चेंज करनी है, और उसके अलावा लाइनिंग्स तो बहुत मज़े के आने वाले हैं इस दफ़ा, तो आ जाएं तो इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और वो वन एंड ओनली पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। तो गाइस बस आपका साथ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, तो बस इंशाल्लाह कल से इसके ऊपर काम शुरू है। इसमें से एयर भी मैंने निकाल दी थी, ये मैंने पीछे स्प्रिंग रख दिए थे, आगे मैंने कॉइल अवर्स लगा दिए थे, तो अभी इसकी एयर सस्पेंशन भी इंशाल्लाह हम डालेंगे, तो अभी इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 डेज़ में जो है ना इसका काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपके, कल से नहीं आप कह लें अभी से इसका काम सारा शुरू हो गया, तो बस इंशाल्लाह जो है परसों से जो है इसका पेंट का शुरू हो जाएगा। आज और कल में इसकी सारी और फिटिंग खुलनी है, इसका बोनट भी खुलना है, ये भी इन्होंने उतारना है, अंदर से सीटें वगैरह निकालनी है, तो बस ये करके तो परसों से पेंटर आएगा, उसका काम वो शुरू कर देगा अपना काम। तो गाइस मैं अभी आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ, इसमें इंजन जो है वो मैंने स्वैप किया हुआ था K24, अभी इसकी हमारी डिवाइसेस आएंगी और टर्बो शर्बो का भी सीन है, तो अभी बस लेकिन वो थोड़ा लेट है, तो अभी यह कि इंशाल्लाह जब ये कलर उसका हो जाएगा और हर चीज़ सब कंप्लीट हो जाएगी तो बैक फाइल्स तो मैं आपको इसके ऑन करके दिखाऊँगा, और फिर आप देखिएगा कि इस K24 के बैक फाइल्स चेक कीजिएगा बस इंशाल्लाह। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया के वेले तरीन इंसान, ये दुनिया के वेले तरीन इंसान है। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ ऑफिस जाके कुछ काम शाम करते हैं, तो बस इससे पहले मैं आपको मुंह दिखा दूँ। अच्छा तो गाइस अभी मैं जो है ऑफिस वगैरह आ गया था, तो अभी मैं अपने वेयर हाउस में आया था, तो यही वो मनहूस इंसान मोदी सरकार, इसको जानते होंगे आप। हाँ भाई, इतनी परेशानी और इतनी टेंशन दी आप लोगों ने, ना कोई आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, बस टेंशन में ही है हम तो। ए, पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज करो। ये एक्टर है बहुत बड़ा दरअसल मेरे ऑफिस का। अच्छा तो गाइस अभी कुछ काम वगैरह करते हैं, फिर शाम को इंशाल्लाह दोबारा अगेन मार्केट। अच्छा तो गाइस बस आखिरी बार आप इसको देख लें, आखिरी बार से मुराद के कल से इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, कलर इसका सब खराब वगैरह ये वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ F10 की तरफ, अभी जा रहा हूँ F10, तो अभी फिर मिलता हूँ आपको कुछ देर में इंशाल्लाह। गाइस ये है लड्डू चेंजर जो है हमें आज मिल गया था, ये वीडियो है। हम लोग आज स्टेक वगैरह खाने आए हुए हैं, अभी फ्राइज मंगाए हुए हैं, मीरू जो है ना, मीरू नहीं सॉरी लड्डू चेंजर, इसका नाम रख देते हैं लड्डू चेंजर, ठीक है मीरू? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हो अपने फैंस को, सब्सक्राइबर्स को, मतलब मेरे? कुछ भी नहीं कहूंगा जी, लख दी थू 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 तेरे पागल, थू थू थू। क्यों वजह बताओ कि उनके लिए बारे में कोई वर्ड्स बोल देता है कि यार उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, क्या ड्रामा है मीठा? आपसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, सेम वैसी फैंस आपसे प्यार करते होंगे ये मैं कह सकता हूँ। नहीं तू क्या, तू कहते है मैं लड्डू चेंजर हूँ, ऐसा ही है ना? हाँ जी, मैं मानता हूँ फारग तरीन इंसानों में मेरा शुमार होता है। अच्छा तो गाइस बस श्रीगण मेला लगा रहे थे, तो अभी बस खाना वगैरह आता है, खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, कहाँ जाना है, क्या कहाँ नहीं जाना है, फिर करेंगे। अच्छा तो गाइस अभी जो है खाना वगैरह आ गया था, मैंने स्टेक मंगवाए थे, तो बस अभी जल्दी से खाना वगैरह खाते हैं, तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं। हाँ अभी लड्डू चेंजर कुछ कह रहे हैं, मज़ा आ गया जी, मज़ेदार। तो गाइस अभी खाना वगैरह हमने खा लिया है, अभी मीरू ने जो है ना बड़ी फाइट करके जो है ना बिल बुक ले लिया, मीरू कहते हैं जी बिल मैं दूंगा। मीरू क्या सीन है आज, लगता है पैसा शैसा आया है मीरू के पास, अभी चेक करते हैं जेब से कितना पैसा निकाल रहा है मीरू। अली तूने देना है? नहीं तू दे दे, क्या कह रहा है? अली का मूड भाग रहा है, दे दे। क्या बात है मीरू, ये मीरू के जरा दिल पे हाथ रख, कुछ हुआ तो नहीं? तेज हुई। अच्छा तो गाइज अभी इसी के साथ बस मैं व्लॉग एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।